आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के टिफिन से। मैंने आज बनाए हैं उनके लिए अप्पे, छोटी वाली के लिए सादे रखे थे और ये हैं सब्जी वाले अप्पे। और इसके बाद फिर मैंने बनाए कटहल की सब्जी। कल मैं लेकर आई थी ना जो सब्जी है, उसमें मैं कटहल भी लाई थी और ये मैंने बनाई है मसालेदार कटहल की झटपट बनने वाली सब्जी। और मैंने रात में ही ये स्प्राउट्स भिगो दिए थे, हालांकि ये अंकुरित नहीं हुए हैं लेकिन क्योंकि रात में ही भिगोए थे इसलिए तो, लेकिन इसका मैं अब बनाऊंगी सलाद। तो ये सब रेसिपी अगर देखना चाहें ना तो आपको पता ही है मेरे दूसरा चैनल जो है शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और मॉर्निंग रूटीन भी मेरा वही चल रहा है, ड्रिंक्स तो चली नहीं है और साथ में आज मैंने फेस स्क्रबर किया था, ये वो था। और बाहर देखिए क्या महायुद्ध हो रहा है। ये है ना, अगर दो मेल कबूतर आ जाते हैं ना तब वो ऐसे ही लड़ते हैं कि नहीं मैं खाऊं कि मैं खाऊं। और मेरा ना सारा बाजरा भी फैला देते हैं इस चक्कर में, पूरे में बाजरा ही बाजरा हो जाता है, पर क्या करें, ये तो चलो इनका नेचर ही है इस तरह का। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और सारे काम हो गए हैं, मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और पता है ये जो कल ऐप डाउनलोड नहीं किया था तो उसमें से बार बार रिमाइंडर आ रहा है कि प्लीज़ कम एंड वॉक, स्टार्ट योर वॉकिंग। उसका नोटिफिकेशन ऑन है इसलिए मैं सोच रही हूँ उसका नोटिफिकेशन ही बंद कर दूँ। अरे भैया मैं कहाँ निकल जाऊँ दोपहर में धूप में, कभी काम हो तो यार निकल जाओ, ऐसे तो मैं दिन दोपहर में तो वॉक नहीं कर सकती ना, करूँगी तो वही अपने शाम को ही करूँगी, और काम हुआ तो खैर दिन में जाना ही होगा। और मैं सोच रही हूँ ना ये वाली जो अपनी ड्राइंग है ना आ रही है इसमें, एक मिनट, ये वाली जो है ना इसमें है ना मैं सोच रही हूँ आज अपना एक काम कर लेती हूँ, ये रह गया है। और इसमें वैसे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत ही करना होगा, तो आज मैं ये वाली फिनिश कर दूँगी, इसका पूरा काम मैं आज ख़त्म कर दूँगी। और आज पीयू नहीं आई है, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पर मुझे पता है गायब हो जाती है लेकिन वो फिर आ ही जाती है, हो सकता है मैं अभी बात कर रही हूँ और कहो अभी आ भी जाए। पूरे दिन में ये जो वक्त मुझे मिलता है ना, जब ये ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मेरा सबसे समझो फेवरेट वक्त यही है कि जब मैं अपने बारे में कुछ सोच सकती हूँ, कुछ अपने प्लान्स बना सकती हूँ अपने हेल्थ को लेकर के, या घर में जो खाने की हैं हेल्दी रेसिपी के बारे में सोच सकती हूँ, या अपनी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर सकती हूँ, तो ये मेरा बेस्ट टाइम है। तो और इस समय मेरा माइंड भी एकदम फ्रेश होता है। तो जब से ये मैंने मधुबनी आर्ट का ये उठाया है ना, तो मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि एक मेरी जो स्किल अंदर थी कहीं, वो मैंने अपनी निकाली बाहर, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ और अपने बेस्ट टाइम का यूटिलाइज़ कर रही हूँ। शाम हो गई है और मछलियों को दाना डालने का टाइम हो गया है, और जैसे ही दाने का टाइम आता है ना ये एकदम से एक्टिव सी हो जाती है, सुबह भी और शाम भी। हाँ चलिए पौधों में पानी भी डाल देते हैं, हालांकि थोड़े थोड़े से गीले हैं ये अभी, लेकिन पता है चिड़िया वाला तो बिल्कुल सूख ही गया होगा, ये देखिए इतना कम पानी रह गया है इसमें। आज पीयू नहीं आई है, देखिए बाजरा भी काफ़ी सारा है, डालने की ज़रूरत ही नहीं है अभी शाम को। बाकी कोचिंग जाने के लिए तो खैर मैं तैयारी हो गई हूँ और खाना वाना भी मैंने सब बना लिया है, बस अब पौधों वालों में पानी डालूंगी फिर, बस फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। पता है आज मेरे उतने कदम हुए भी नहीं है, मैंने सिर्फ वही कितने थे 1000 के आसपास दिखा रहा था कि घर में मैं 1000 कदम चली हूँ। पता नहीं क्या मैं मोबाइल लेके पूरे घर में डोल रही थी, मैं बाद में सोच रही कि ये इतना कैसे हो गया। तो
हालांकि मैं नीचे भी गई थी लेकिन नीचे मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। चलो जो भी हो, और बाकी फिर मैं देखती हूँ। कभी कभी तो मुझे इस ऐप में भी कुछ घपला लगता है। आज भानु कह भी रहे थे कि है ना ये ऐप उतने मतलब सटीक नहीं है, तुम घड़ी ही ले लेना। चलो वो देखती हूँ। वो देख रहे थे ऑनलाइन, काफ़ी घड़ियाँ थी, कम रेंज में भी थी, ऐसी 1500 के आसपास में। पर पता है मेरे को ज़्यादा टिपिकल फंक्शन नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि घड़ी में बस मेरे को अपना है ना स्टेप काउंटिंग जो है ना वो एकदम सही आना चाहिए बस। बाकी जो और उसमें टिटरम होते हैं ना वो तो मेरे समझ के बाहर हैं। चलिए जब तक घड़ी नहीं आती है तब तक तो हम अपने है ना इसी पे रहेंगे, ऐप के भरोसे रहेंगे। और मैं जाके फिर आपको बताऊंगी कि अभी कितने स्टेप्स हैं इसमें और फिर मेरे को अभी कितने इसमें चलने हैं, कितने चलने हैं क्या मेरा जितना मन करेगा। हाँ, जितनी देर थोड़ा बहुत चलूंगी। कल तो खैर मैंने टारगेट ही बना लिया था कि 6000 कदम चलूंगी, लेकिन आज तो अपना नॉर्मल जैसे चलती हूँ ना उतने में ही चल के देखूंगी कि मेरे कितने कदम हो रहे हैं नॉर्मली, यानी कि मैं कितना कदम चलती हूँ। मैं आ गई हूँ अपने एलोवेरा के पास। पहले से तो खैर बेटर है, उस दिन ज़्यादा पीले हो रहे थे, आज थोड़े से कम पीले हैं। अब तो पता है धूप अच्छी खासी ही पड़ रही है, बेचारों को तो रोज़ ही पानी की ज़रूरत है अब। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइट ऑरेंज गुलाबी गुलाबी सा। पार्क आगमन हो गया है और मैं आपको बता दूँ अभी हुए हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, 1000 समथिंग है, 300 कुछ है, 1300 कुछ। तो अब मैं लगा लेती हूँ पार्क का चक्कर जो मैं रोज़ लगाती हूँ, और फिर देखती हूँ कि फिर मेरे कितने आज कदम हो गए। ठीक है, अंधेरा अब होने ही वाला है, चलिए फिर बताती हूँ आपको बाद में। पार्क में ना मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऐसे ही वॉक करती हैं, तो उन सबको देख करके भी अच्छा लगता है। और कभी मैं बैठ भी जाती हूँ ना फिर, लेकिन पता है फिर बैठा ही नहीं जाता है क्योंकि और लोग वॉक कर रहे होते हैं, तो उनको देख करके आप खुद ही मोटिवेट हो जाते हो कि यार हम भी तो टहलें। आदमी भी आते हैं, खैर लेडीज़ भी हैं काफ़ी सारी, और बच्चे तो खेलने आते हैं, लेकिन वो अंधेरा होते होते बच्चे तो खैर चले जाते हैं। तो मैं घर आ गई हूँ और खाना पीना वगैरह सबका निपट चुका है। अब बस अब आप यहाँ देखिए, ये हो गए हैं मेरे इतने सारे कदम। मैंने सोचा नहीं था कि इतने हो जाएंगे। कल तो पूरे दिन में मैंने मतलब 6000 किए थे और अब 5000 से ऊपर हो गए हैं इतने कदम, पता नहीं कैसे हो रहे हैं। चलो जो भी है, लेकिन हाँ मैंने वॉक तो खैर करी थी। वॉक के दौरान मैं पता है अपनी जीजी से बात कर रही थी, मेरी सिस्टर हैं जो मेरठ में रहती हैं, तो उनसे बात करते करते ये मेरे इतने सारे कदम हो गए। क्योंकि मैंने बहुत सारे फिर चक्कर लग, जब तक बात होती रही ना पार्क के मैं चक्कर लगाती ही रही, इसलिए खैर अच्छा रहा। ये भी एक अच्छी मतलब वो है कि अगर आपको टहलना है और कैसे टहलें तो किसी से आप बात करने लग जाओ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना आपने वॉक कर लिया। और आज की तो वो मेरे देखा जाए ना तीनों जो टारगेट थे जो बच्चों ने मुझे दिया था, ड्राइंग की बात कर रही हूँ वो मधुबनी आर्ट की, तो वो दोनों तो बच्चों की मैंने कर ली और आज अपना वाला टारगेट भी पूरा कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि है ना ये क्रिएटिविटी अपनी बनाए रखूँ, बीच बीच में इस तरह का कुछ करती रहूँ। तो अब मैं कल देखती हूँ, कल निकालूंगी कई सारे तो, और कल आप लोगों से ही पूछूंगी कि इनमें से फिर मैं कौन सा बनाऊँ। ठीक है, सेलेक्ट करूंगी 3-4 और फिर आप बताइएगा, फिर मैं वही वाली ड्राइंग उठाऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो का हम एंड करते हैं, हो गई सारी बातें खूब सारी। पीयू के तो दर्शन खैर नहीं हुए आज, उम्मीद करते हैं कल वो आएगी। चलिए फिर, ओके टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।